क्या रियल प्रॉब्लम प्रोक्रेस्टिनेशन है या रियल प्रॉब्लम ये है कि एक सेंस ऑफ अर्जेंसी हमारे अंदर नहीं है. डू यू हैव दैट सेंस ऑफ अर्जेंसी कि यार मेरा टाइम निकल रहा है, मुझे कुछ करना है, अंदर से ये आग लगी हुई है. सच बोलो अपने आप से. डू यू हैव दैट फायर? अगर होगी तो फिर तो ये सोशल मीडिया पे हावी हो ही नहीं सकता ना. ये आपको ओवर पावर नहीं, कुछ भी आपको ओवर पावर नहीं कर सकता. डिस्ट्रैक्शन जीरो हो जाते हैं. मैं क्या करता हूँ प्रैक्टिकली, मेरा फोन है किसी के पास में, मेरा किसके पास में दिखाना है, सबसे महंगा फोन है वर्ल्ड का, उससे ऊपर कोई है ही नहीं. ये मेरा प्यारा सा फोन है. अरे उल्टा था, लार्जेस्ट स्क्रीन, बेस्ट टच, 1000 पिक्सल कैमरा. कुछ है ही नहीं, क्या करोगे. ये मेरा फोन है, बट मेरे पास में एक और फोन भी है. वो अपने पास में नहीं रखता हूँ वाला फोन, मेरे पास में ये वाला फोन रहता है. बट कभी कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, कोई एकदम से ईमेल आ गई है, कुछ आ गए, तो उस फोन को मैं ऑन करता हूँ, फटाफट से वो काम करता हूँ, ऑफ करता हूँ, रख देता हूँ. अब ये किसने किया है? मैंने किया है, अपने लिए किया है, जबकि मेरे को इसकी जरूरत नहीं है. अगर एक्चुअल में आप समझोगे तो आप किस लिए करना चाह रहे हो? अपने करियर के लिए. जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो कौन है यहाँ पर जो कहेगा कि मेरा करियर बड़ा कमाल का सेट हो गया है जी, मैंने कर लिया जो कुछ करना था मुझे लाइफ में फाइनेंशियली. है कोई? एनीबडी? मैं तो हूँ. करियर में जहां तक भी आप जो भी सोच सकते हो उससे बहुत बड़ा कुछ मैं ऑलरेडी कर चुका हूं. अगर आज मैं पूरा दिन भी बैठ करके मोबाइल पर टाइम पास करता रहूं, मुझे फाइनेंशियली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. फिर भी कर रहा हूं, और आपको करना चाहिए, फिर भी आप नहीं कर रहे हो ना. घोचू मतलब मुझे एक्चुअल में इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूं. क्यों? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ. इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम. इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम. टाइम किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आपको पता है कि हाँ, एक मिनट, इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मेरे को क्लियर है, और जो अपना टाइम खराब कर रहे हैं उनको क्लियर नहीं है. ऐसे लोगों को जानते हो जो सुबह से रात तक बस बैठे रहते हैं, टाइम पास करते रहते हैं. क्यों क्यों करते हैं? थियोरेटिकली तो उनको पता है टाइम इंपॉर्टेंट है, बट उनके सारे एक्शंस कह रहे हैं कि उनके लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है जिंदगी में. हाँ, बोलते हैं कि मेरे को ये करना है, मगर एक्चुअल में कुछ नहीं करना. लाइफ में एक ऐसा पर्पस चाहिए जो इतना बड़ा हो कि आपको एक मिनट के लिए भी चैन से बैठने ना दे. तो अब आप यहां से जवाब देख सकते हो कि मेरे लिए टाइम इंपॉर्टेंट क्यों है. बिकॉज मेरी लाइफ का एम क्या है, गोल क्या है? कोई गोल नहीं है. देयर इज एब्सोल्युटली नो गोल. जितने गोल्स थे वो मैंने अचीव कर लिए हैं. अभी भी क्यों टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा हूं? बिकॉज पर्पस है. वो पर्पस क्या है कि इस इंसान होने का जो मतलब है, यानी आई गॉट दिस बॉडी, आई गॉट दिस ब्रेन, माइंड, दिस वे ऑफ थिंकिंग, इंटेलेक्ट, ये सब है ना, ये मेरे पास में है ना, इसकी जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है उसको अचीव करना है मुझे.